हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हो ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। दोस्तों देखो, ये खूबसूरत फूल अभी भी इतना अच्छे से खिल रहा है। और यहाँ पे मेरा येलो कलंचो, ये भी खिलना स्टार्ट हो गया देखो। और यहाँ पे वाइट भी खिलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे पिंक भी खिलेगा। और ऐसे ही है मेरा बालकनी, थोड़ा सर्दी का फ्लावर मतलब विंटर का फ्लावर मैं यहीं पे रख दिया, तो सुबह का धूप इनको मिल जाता है और ये 12 बजे के बाद धूप नहीं मिलता। तो इसी तरीके से मैंने इधर उधर पीछे वाले बालकनी में रख दिया। और देखो धूप इतना ज़्यादा हो रहा है अभी, क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा धूप। अभी लग रहा है आग बरस रहे हैं, पता नहीं मई जून में क्या होगा। सुबह सुबह ऐसे हरियाली देखने का मज़ा ही कुछ अलग है। और आज थोड़ा लेट से शुरू किया, क्योंकि अगर 7 o'clock 8 o'clock तक मैं ब्लॉग शुरू करूं तो चारों तरफ आपको मोटर का आवाज़ मिलता है या कुछ मिलता है। तो मैं 8 बजे के बाद ही इसलिए शुरू किया ताकि पानी चला जाए तो सारे का मोटर बंद हो जाएगा तो आवाज़ भी नहीं आएगा। तो अभी आप किसी आवाज़ नहीं सुन सकते, सिर्फ पंछी का आवाज़ ही सुन सकते हो। ये जो मेरा आप देख रहे हो एरिका पाम, इसे उस दिन सीवीड लिक्विड से मैंने स्प्रे कर दिया था ना, धो दिया था, आपको दिखाया था पहले वाला ब्लॉग में। तो ये पूरा येलो हो गया था और अभी देखो ये पूरा ग्रीन हो, मतलब पूरा ही ग्रीन हो गया, जो येलो था वो चला गया। और यहाँ पे ये सामने वाला बालकनी में ऐसे ही वो जो नेट अमेज़ॉन से लाए थे ना, एक नेट यहाँ पे लगा दिया, एक तो छत में लगा दिया। तो इस तरीके से मेरा जो ये जो खिड़की है यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर धूप कम जाएगा और गर्मी कम होगा, इसलिए यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट रखे हुए हैं और सारे एडेनियम यहाँ पे है, जब भी इधर धूप आएगा तो ये पूरा धूप इनको मिलता रहेगा। सुबह से मतलब 9 बजे से यहाँ पे धूप आता है और जब तक सनसेट ना हो जाए यहाँ पे पूरा ही धूप रहता है। इसीलिए धूप वाले जो प्लांट है जिसको ज़्यादा धूप चाहिए वो सब ऐसे रख दिया। अरे देखो मेरा हिबिस्कस, ये है ना दही का पानी, तो ये मैं पौधे में डाल दूँगी, इसमें पूरा पानी मिला के और पौधे में डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी, दही का पानी है ये डाल देंगे विंटर फ्लावर्स में, क्योंकि इसमें तो ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ नहीं है ना, ये और कुछ भी नहीं को मेहमान है। लेकिन ये जो डायंथस है ना, ये सालों साल चल जाता है, अगर ऐसे ही आप रख दो सालों साल चल जाता है। और ये देखो रिया कपड़े सूख गया तो उसको लेने आ गई। एक एक काम का जिम्मेदारी अगर बच्चों को दे दिया जाए ना, तो वो भी ये काम भी सीख जाता है और कर भी लेता है, हेल्प भी हो जाता है ना थोड़ा बहुत। तो गार्डन के काम में थोड़ा टाइम ज़्यादा भी दे पाते हैं। ब्रेकफास्ट में पोहा बनाएंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले लूँगी। और ये देखो यहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लावर खिले हैं, तो आपको अगर इसका फल नहीं चाहिए सिर्फ पत्ते चाहिए तो ये फ्लावर को तोड़ना है ऐसे करके। तो मैं सारे फ्लावर को तोड़ दूँगी ऐसे, क्योंकि मुझे सिर्फ पत्ते चाहिए, इसका फल नहीं चाहिए। तो इसके साथ जो भी निकलता है ये पत्ते मैं ले लूँगी। Thank you.
दोस्तों अब मैं ये ड्राइंग रूम का पूरे कर्टेन चेंज करूँगी क्योंकि यहाँ पे सारे डार्क कलर की कर्टेन लगा हुआ है। तो अभी गर्मी भी आ गया और गर्मी धीरे धीरे ज़्यादा होते जा रहा है, तो एक लाइट कलर के सूदिंग सा कलर वही कर्टेन मैं लगाऊंगी ताकि आँखों को भी ठंडक पहुँचे और देख के भी उतना गर्मी ना लगे। जितना भी डार्क कलर आप गर्मी के टाइम देखते हो ना, देख के ही गर्मी लगता है। और ये सारे मैं धो के रख दूँगी। और यहाँ पे जो ड्राइंग डाइनिंग के अलग करने के लिए जो शेयर कर्टेन है वो भी मैं निकाल दूँगी, और क्योंकि अभी कूलर लगाएंगे कुछ दिन में तो ये शेयर कर्टेन का कुछ काम नहीं है, वो उड़ के इधर उधर जाएगा, तो वो मैं सर्दी के टाइम ही लगाती हूँ। तो सारे कर्टेन मैं लगा लूँगी। और ये जो कर्टेन पहले से लगा हुआ था सर्दी में, जो रेड कलर की और रेड मतलब मेरून कलर की और बेज कलर के, तो ये कर्टेन मैं अभी धो दूँगी। जितना मशीन में जाता है उतना ही धोंगे और बाकी रख देंगे, कल धो लेंगे। क्योंकि ये सारे रॉ सिल्क का कर्टेन था जो मैंने खोल दिया, और ये तो ये कर्टेन बहुत पुराना है, लेकिन इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका मतलब इसे ना लगा के आँखों को ठंडक पहुँचता है, मन को भी अच्छा सुकून मिलता है। तो मैं इस ये जो प्रिंटेड कर्टेन है यही मैं चारों तरफ लगा दूँगी। और इसके साथ मैं पहले ये लगा के कर्टेन लगा के और जो कर्टेन निकला है उसको पहले धोने के लिए डाल दूँगी। धोने के लिए डालने के बाद बाकी जो कुशन देखोगे, मेरा सारे कुशन नंगा नंगा पड़ा है, क्योंकि जो कुशन कवर था ना वो संडे को ही दे दिया था, संडे नहीं मंडे को दे दिया था ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि वो हैंडवर्क था, कश्मीरी काम किया हुआ वेलवेट के ऊपर, तो हैंडवर्क था इसलिए ड्राई क्लीन करने के लिए दे दिया था। तो सारे कुशन नंगा नंगा पड़ा है, तो मैंने एक इस कर्टेन के मिलता जुलता कलर और सूदिंग सा एक कलर का कुशन कवर मैं पहले ही खरीदी थी, तो वो वाला कुशन कवर भी मैं चढ़ा दूँगी सारे कुशन में। यूज़ नहीं किया, गर्मी के लिए ही ख़रीदा है, ऐसे सूदिंग सा कलर लाइट कलर में। और इसका देखो ये किनारे में ये पाइपिंग है ना, इसके लिए ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और इसका मटेरियल भी अच्छा है। तो ये मेरा जो कर्टन लगाया उससे मैच करता है, तो ये सारे मैंने लगा दिया। और ये सोफ़ा कवर बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है, तो कल बाकी जो कर्टन लगाऊंगी उसके साथ ही सोफ़ा कवर भी लगा दूंगी। यहाँ पे देखो ये पिटूनिया का सेट, ये अगर इस टाइम अगर नहीं तोड़ूँ इसको तो ये फट के यहाँ पे गिर जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये देखो ये फट भी गया थोड़ा सा, तो ये सारे सीड्स जो भी मिलेगा ये सारे ले लूँगी मैं, कलेक्ट कर लूँ।
देखो इस तरह का सेट। और अगर मैं इसको कलेक्ट नहीं करूं तो ये फट के नीचे गिर जाएगा, देखो देखा। तो ऐसे सारे सेट देखो, पहले भी मैं यहाँ पे सेट्स इकट्ठा किया था, तो ये एक ही कलर का नहीं है, सब कलर मिला के रखूँगी। इसका पत्ते पहले, ये पत्ते में लग जा रहा है, ये फट गया ना, तो ये सारे सेट्स निकल रहे हैं। तो ये पहले मैं, और इतना छोटा छोटा इसका सेट्स होता है, ये देखो जैसे ही देखा, ये देखो सेट्स गिर रहा है। तो ये ऐसे ही छोटा छोटा सेट्स होता है, तो अगर नहीं तोड़ो तो फट के गिर जाता है। तो ये सारे सेट्स इसलिए इस टाइम तोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे मौसी बैठी है, देखो इनका आंखें देखो कैसे लग रहा है ना, लाइट जैसा जल रहा है। वो मार्बल होता है ना, वो वाला अंगूठा बोलते हैं ना, मैंने सुना है मेरे हस्बैंड से कि उसको अंगूठा बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसी तरह लग रहा है बिल्ली का आंखें। और दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा निकली हूँ टहलने के लिए, और ऐसे ही टहलते टहलते सोसाइटी के बाहर जो नर्सरी है वहाँ पे भी चले जाऊँगी सोच रही हूँ। तो चलते हैं, थोड़ा सा देख के आते हैं। ऐसे ना पेड़ पौधे देख के दिल को सुकून मिलता है, और इसलिए मैं बीच बीच में चली भी जाती हूँ नर्सरी, क्या कौन सा पौधे आया क्या है वो सब देखने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ चलूँ मैं आज एक बार देख के आती हूँ कि नर्सरी में क्या क्या पौधे है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे पॉट टूट भी बहुत सारे हैं। नर्सरी से मैंने लाई ये दो पर्चुला का, और ये एक देखो बेगम बहार, इस प्लांट का ग्रोथ देखो कितना अच्छा है, लेकिन ये पॉली बैग में लगा हुआ है, पूरे कलियों से भरा हुआ है। तो और ये ना ये लाल मिट्टी में लगा हुआ है, देख रहे हो, इसको ट्रांसफ़र करूँगी, दूसरे गमले में ट्रांसफर कर दूँगी। दोस्तों ये है मेरा हिबिस्का, सुबह दिखाया था आधा खुला हुआ था, अभी तो पूरा खुला हुआ है, और कितना सुंदर लग रहा है। और ये है मेरा पीछे वाला जो बैल्कनी से मैं दिखाती हूँ ना पार्क, उस पार्क में मैं आगे देखो ये चंपा का पेड़, यहाँ पे एक पाम ट्री है, तो ऐसे ही है पार्क। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इसी पार्क में ही ख़त्म कर रही हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों आज चलती हूँ, फिर मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए।